इस कहानी की शुरुआत में हमें फ्रेडी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कुछ वेयरवुल्फ का पीछा कर रहा होता है, क्योंकि सिटी में वेयरवुल्फ इंसानों को मुसीबत से बचाया करते थे। फ्रेडी के पास मूनस्टोन रिंग होती है जो वेयरवुल्फ के पास होने पर चमका करती थी, जिसकी वजह से वो उनका पीछा कर पा रहा था क्योंकि वो भी उनकी मदद करना चाहता है। उन वेयरवुल्फ को चिल्लाने की कुछ आवाजें सुनाई देती है क्योंकि वहाँ एक घर में आग लगी होती है, इसीलिए वेयरवुल्फ घर में फंसे हुए लोगों को बचाकर बाहर लेकर आने लग आते हैं। ये देखकर फ्रेडी भी उनकी मदद करने के लिए अंदर जाने लगता है, लेकिन आग की वजह से अंदर नहीं जा पाता और सभी वेयरवुल्फ उसे देख लेते हैं। और यहाँ में पता चलता है कि फ्रेडी कोई नॉर्मल बच्चा नहीं, वेयरवुल्फ के लीडर फ्लेशहार्ट का बेटा होता है। फ्लेशहार्ट उसे कहते हैं कि यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि तुम्हें अभी भेड़िया बनने में 6 साल बाकी है। तभी और पर फ्रेडी से पूछता है कि तुम हम तक कैसे पहुँचे, तो फ्रेडी उनसे झूठ कहता है कि मैंने अपनी खास स्किल का यूज किया। लेकिन तभी उसके हाथ से पवित्र मूनस्टोन नीचे गिर जाती है और उस पर फ्रेडी पर मून रिंग साथ लाने के लिए गुस्सा करता है, तो फ्लेशहार्ट उसे शांत करके कहता है कि फ्रेडी अभी बच्चा है और वो धीरे धीरे सब समझ जाएगा। तभी उन्हें किसी कार के एक्सीडेंट होने की आवाज़ सुनाई देती है, इसीलिए फ्लेशहार्ट को फ्रेडी को भी अपने साथ लोगों की मदद करने के लिए लेकर जाना पड़ता है। फिर वो शहर में सभी लोगों की मदद करने लग जाते हैं, वो एक छोटे बच्चे को नीचे गिरने से बचाने लगते हैं, मगर फ्रेडी गलती की वजह से हॉर्स पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, जिससे डॉग हॉर्सपर को परेशान करने लग जाते हैं, जिससे फ्लेशहार्ट वहां आकर हॉर्सपर को कुत्तों से बचाते हैं। लेकिन इससे हॉर्सपर फ्रेडी पर गुस्सा होता है क्योंकि उसकी वजह से नीचे गिर गया था, तो फ्लेशहार्ट उसे शांत करते हैं और कहते हैं कि ये सब मेरी गलती है और मैं फ्रेडी को घर ले जाऊंगा। फिर वो सभी वेयरवुल्फ वहां से निकल जाते हैं। फ्रेडी अपने डैड से सॉरी कहता है क्योंकि उसकी वजह से उन्हें परेशानी हुई थी, तो फ्लेशहार्ट उसे कहते हैं कि तुम अभी भेड़िया नहीं बने हो और जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तुम्हारा भी वक्त आएगा जब तुम लोगों की रक्षा करोगे। लेकिन फ्रेडी उदास होता है, तो फ्लेशहार्ट उसे पूरे शहर की सैर करवाने लग जाते हैं, जिससे फ्रेडी खुश होता है और वो जंगल से होते हुए अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते में एक आइसक्रीम वैन आ जाती है जिससे फ्रेडी रोड पर गिर जाता है, मगर फ्लेशहार्ट अपने बेटे को बचा लेते हैं। लेकिन इससे उस आइसक्रीम वाले को लगता है कि उस वुल्फ ने उस बच्चे का किडनैप कर लिया है, जिससे वो काफी डर जाता है। उसका नाम क्रीप होता है, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था और अपने टेडी को ही अपना दोस्त माना करता था। वो काफी हिम्मत करने के बाद उस लड़के की मदद करने के लिए तैयार हुआ, जंगल में उस लड़के को ढूंढने लग जाता है। वही फ्लेशहार्ट फ्रेडी को लेकर वहाँ से अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो फ्रेडी उनसे पूछता है कि हम आइसक्रीम वाले से क्यों भाग रहे हैं, तो फ्लेशहार्ट उसे बताते हैं कि हम लोगों की रक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ इंसानों को लगता है कि हम मॉन्स्टर हैं, इसीलिए उनसे छिपकर रहना ही अच्छा है। और फ्रेडी को एक क्लिफ पर ले आते हैं, जहाँ पर फ्रेडी को चांद दिखाते हुए कहते हैं कि चांद पर मून आत्माएं होती है जो तय करती है कि एक भेड़िया को कैसा शरीर मिलेगा। यह सुनकर फ्रेडी कहता है कि मुझे बड़े बड़े नाखून, विशालकाय शरीर और एक ताकतवर जबड़ा चाहिए। इस पर फ्लेशहार्ट फ्रेडी को समझाते हैं कि एक अच्छा वेयरवुल्फ बनने के लिए ताकतवर शरीर और बड़े बड़े नाखून से कहीं ज्यादा बड़ा दिल होना जरूरी है। यह सुनकर फ्रेडी अपने डैड के गले से लग जाता है। अब यहाँ पर ये दोनों बैठे ही होते हैं कि तभी क्रीप फ्रेडी को ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है, और जब वो फ्रेडी के साथ एक वेयरवुल्फ को देखता है तो डर के मारे घबराहट में चट्टान से नीचे लटक जाता है। फ्लेशहार्ट उसकी मदद करने जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन क्रीप को लगता है कि उसे मारना चाहता है, इसीलिए उस पर अटैक करता है, जिससे फ्लेशहार्ट का हाथ फिसलने की वजह से वो दोनों वहाँ से नीचे गिर जाते हैं, मगर क्रीप एक चट्टान को पकड़ कर बच जाता है। लेकिन फ्लेशहार्ट की मौत हो जाती है और उस पर भी छिप कर वहाँ ये सब देख रहा होता है, और उसने जानबूझ कर फ्लेशहार्ट को नहीं बचाया था ताकि वो अपने पैक का नया लीडर बन सके। फ्लेश के मौत से फ्रेडी बहुत दुखी होता है, लेकिन हॉर्स पर उसे पकड़कर वहाँ से लेकर जाने लगता है, जिससे फ्रेडी के हाथ से मून रिंग छूटकर नीचे गिर जाती है। क्रीप भी ऊपर आ जाता है और उस रिंग को उठा लेता है, और उसे लगता है कि वो भेड़िया फ्रेडी को मारने के लिए अपने साथ ले जा रहा है, और वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं करता, मगर उस रिंग से समझ जाता है कि वो रिंग भेड़ियों के पास आने से चमकती है। फिर हमें लुपिन मेसन को दिखाया जाता है, जहाँ फ्लेशहार्ट और बाकी सभी वेयरवुल्फ साथ में मिलकर रहा करते थे। आज सभी भेड़िया इकट्ठा होकर फ्लेशहार्ट के मरने का शोक मना रहे होते हैं। लॉर्ड हाइट्रेल हॉटस्पर से कहते हैं कि फ्रेडी अभी एक बच्चा है, और जब तक फ्रेडी वेयरवुल्फ में बदलने के काबिल ना हो जाए तब तक इस वेयरवुल्फ पैक को एक लीडर की जरूरत है। इस पर हॉटस्पर कहता है कि मैंने हमेशा से इस पैक की सेवा की है और मैं आगे भी पैक की सेवा करूंगा। फ्रेडी अपने पिता की मौत से काफी दुखी होता है, इसलिए वो भाग कर अपने कमरे में आ जाता है। अब ऐसे दिन गुजरते गुजरते 6 साल बीत जाते हैं और अब फ्रेडी 13 साल का हो चुका था। वो आज बहुत खुश
होता है क्योंकि आज फ्रेडी के वेयरवुल्फ में ट्रांसफर होने का दिन था और आज सारे वेयरवुल्फ फ्रेडी को देखने के लिए आए होते हैं। आज फ्रेडी एक्साइटेड होने के साथ साथ थोड़ा नर्वस भी होता है क्योंकि ऑस्पर हमेशा कहा करता था कि फ्रेडी में एक वेयरवुल्फ वाली बात नहीं है, लेकिन मिसेज मटन फ्रेडी को मोटिवेट करती हुई समझाती है कि जिस प्रकार तुम नर्वस हो उसी प्रकार तुम्हारे डैड भी अपनी पहली वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नर्वस थे, लेकिन आगे चलकर वो एक हाई हाउलर बने और तुम भी एक दिन हाई हाउलर बनोगे। उनकी बातें सुनकर फ्रेडी एक्साइटेड हो जाता है। वहीं हॉर्स पर वेयरवुल्फ काउंसलिंग को बता रहा होता है कि वो फ्रेडी से बेहतर लीडर है और वो काउंसिल को अपने द्वारा बनाए गए डॉग संस्थान के बारे में बताता है जो लगातार शहर से आवारा डॉग्स के आतंक को खत्म कर रहा था। वो उन्हें कहता है कि मैंने 6 सालों से पे की सेवा की है और मैं आगे भी करता रहूंगा, इसलिए मैं ही तुम्हारा सच्चा लीडर हूँ। तो लेडी हाइटेल उसे कहती है कि तुम लीडर बनने की बात कैसे कर सकते हो क्योंकि तुम अभी तक क्रिप से मून रिंग लाने में असफल रहे हो। इस पर ऑर्स्पर बताता है कि क्रिप के पास हाईटेक वेपन है जो चांदी के गोले दागते हैं जिससे कोई भी वेयरवुल्फ बच नहीं सकता, और साथ में उसके पास मून रिंग और हाई सेंसर कैमरा है जिससे उसे पहले ही पता चल जाता है कि उसके आसपास वेयरवुल्फ है और वो सतर्क हो जाता है। लेकिन मैं इस मसले पर काम कर रहा हूँ और जल्द ही मून रिंग हमारे पास होगी। तो मिस्टर एंड मिसिस हाइटेल उसे कहते हैं कि हमने तुम्हें बहुत से मौके दिए हैं और अब फ्रेडी की बारी है, ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं फ्रेडी खुश हुआ उस रूम की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ सभी वुल्फ उसका वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंतजार कर रहे थे। रास्ते में फ्रेडी को हॉर्सपर के दोनों बच्चे मिलते हैं जो फ्रेडी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फ्रेडी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और मेन हॉल में आ जाता है जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रूफ को खोला जाता है जिससे चांद की रोशनी हॉल के बीचों बीच पड़ने लगती है क्योंकि चांद की रोशनी से ही वो सभी वेयरवुल्फ में बदल सकते थे। वो एक एक करके सारे वेयरवुल्फ चांद की रोशनी में आकर भेड़िए के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, लेकिन जब फ्रेडी चांद की रोशनी में आता है तो उसकी बॉडी में अजीबोगरीब बदलाव आने शुरू हो जाते हैं और एक भेड़िए में नहीं बल्कि एक डॉग में बदल जाता है। ये देखकर सभी वेयरवुल्फ हैरान होते हैं और सभी उसे शर्मनाक नजर से देखने लग जाते हैं। इससे फ्रेडी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो डॉग से नफरत करता था, लेकिन ऑर्स पर बहुत खुश होता है। वो सभी से कहता है कि फ्रेडी श्रापित है क्योंकि इसने मून स्टोन रिंग को खो दिया था, इसीलिए मून आत्माएं हमें सजा दे रही है और ये लीडर बनने के योग्य नहीं। तो फ्रेडी सभी को कहता है कि मैं रियल वुल्फ हूँ। तो लॉर्ड हाइटेल उसे कहते हैं कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता और तुम्हारे पास खुद को साबित करने के लिए कल चंद्रोदय तक का समय है, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो चंद्रमा की आत्माएं अपना एक नया लीडर चुनेगी और तुम्हें भगा दिया जाएगा। फ्रेडी से काफी हर्ट हुआ अपने रूम में चला जाता है जहाँ पर वो बाकी के वेयरवुल्फ को रोज की तरह लोगों की मदद करने के लिए जाते हुए देखता है और बहुत दुखी होता है क्योंकि आज वो उनका लीडर बनने वाला था। अब यहाँ पर हॉर्सपर के दोनों बच्चे भी आ जाते हैं जो फ्रेडी को एक कुत्ते के रूप में देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए खूब मस्ती करते हैं और वो उसके गले में एक चांदी का ब्रेसलेट पहना देते हैं क्योंकि वो चांदी की वजह से अपने असली रूप में नहीं आ पाते थे। मगर फ्रेडी किसी तरह वहाँ से बच निकलता है और उन्हें वही एटिक में बंद कर देता है। वो खुद को कड़े से बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी उसे अपने पिता के तस्वीर में मून रिंग दिखाई देती है जिससे उसे आइडिया आता है कि अगर वो उस मून रिंग को वापस ला दे तो उसका श्राप टूट जाएगा और वो भी एक वेयरवुल्फ बन जाएगा। इसके बाद फ्रेडी किसी तरह लुपिन मेंशन से बाहर निकल जाता है और एक गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक कीटी की आवाज की वजह से वो नीचे गिर जाता है जिससे उसके चारों तरफ से गाड़ियां निकलने लगती है और एक गाड़ी के नीचे आने वाला होता है कि तभी वहाँ बेटी नाम की फीमेल डॉग आकर उसे बचा लेती है जो फ्रेडी को वहाँ से निकलने में मदद करती है। बेटी उसे कहती है कि तुम एक पुडल हो। तो फ्रेडी उसे कहता है कि मैं पुडल नहीं हूँ, पुडल दरअसल वाटर डॉग की एक ब्रीड होती है, इसीलिए जब बेटी उसे सूंघती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसमें से वुल्फ जैसी स्मेल आ रही थी। तो फ्रेडी उसे कहता है कि मैं कोई पुडल नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, लेकिन उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो फ्रेडी को एक कुत्ते की तरह ट्रीट करती है। इस बात से परेशान होकर फ्रेडी अकेले रहने की कोशिश करता है, लेकिन जब फ्रेडी को कुछ स्ट्रीट डॉग मिलते हैं जो उसे डराने की कोशिश करते हैं जिससे फ्रेडी वापस से बेटी के पास आकर मदद मांगता है क्योंकि उसे क्रिप के पास से मून रिंग वापस लानी थी, मगर बेटी मना कर देती है। लेकिन जब फ्रेडी इसके बदले उसे ढेर सारा खाना देने का वादा करता है तो मान जाती है और अब वो साथ में रहते रहते अच्छे दोस्त बन जाते हैं और बेटी फ्रेडी को डॉग ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। उन्हें एक रात सारे वेयरवुल्फ दिखाई देते हैं जिन्हें ऑर्स पर गाइड कर रहा था, जिन्हें देखकर बेटी डर जाती है और इससे पहले कि ऑर्स पर फ्रेडी और बेटी को देखता वो दोनों छिप जाते हैं और यहाँ पर फ्रेडी को पता चलता है कि बेटी वेयरवुल्फ से बहुत नफरत करती है, इसलिए फ्रेडी बेटी को अपनी
सच्चाई नहीं बताता। फिर वो दोनों क्रिप की शॉप के पास आ जाते हैं, लेकिन बेटी उसके साथ अंदर नहीं जाती, जिससे फ्रेडी को अकेले ही अंदर जाना पड़ता है। फ्रेडी पूडल होने की वजह से सिक्योरिटी सिस्टम से बचते हुए किसी तरह से मून रिंग के पास पहुंच जाता है, लेकिन जब वो मून रिंग को उठाता है तो टूट जाती है क्योंकि वो रियल नहीं होती। तभी क्रिप भी वहाँ आकर फ्रेडी को पकड़ लेता है और तभी उसकी मून रिंग भी चमकना शुरू हो जाती है। ये देखकर क्रिप को फ्रेडी पर शक हो जाता है और उसे बांधकर उसका टेस्ट करना शुरू कर देता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि फ्रेडी एक डॉग और लड़के का कॉम्बिनेशन है। इसके बाद वो फ्रेडी के गले के नेकलेस का फोटो क्लिक करके इनहेंस करने लग जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो फोटो क्लियर होती वहाँ पर बेटी आ जाती है जो किसी तरह से फ्रेडी को आजाद करवा लेती है। और अब फ्रेडी क्रिप के पास से मून रिंग लेकर बेटी के साथ वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस मटन को देखते हैं जो फ्रेडी को ढूंढ रही होती है। वहीं बेटी फ्रेडी को अपना वादा पूरा करने को कहती है और उसे ढेर सारा खाना मांगती है। इस पर फ्रेडी कहता है कि मैं अभी तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता। ये सुनकर बेटी को लगता है कि फ्रेडी उसे अपने घर इसीलिए नहीं ले जा रहा क्योंकि वो एक स्ट्रीट डॉग है, और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर फ्रेडी भी बेटी के पीछे जाता है क्योंकि उसने हर वक्त उसे मुसीबत से बचाया था। फ्रेडी देखता है कि बेटी एक टूटे हुए शिप में रहती है और बेटी उसे अपने बारे में बताती है कि मेरा जन्म पेट शॉप में हुआ था, जहाँ पर एक एक करके लोगों ने उसके सभी भाई बहनों को एडॉप्ट कर लिया, लेकिन बेटी को किसी ने एडॉप्ट नहीं किया, जिससे शॉपकीपर ने उसे बाहर छोड़ दिया और इस तरह उसे कभी एक परिवार का प्यार नहीं मिला। यह सुनकर फ्रेडी को बहुत बुरा लगता है और वो बेटी से माफी मांगता है। इसके बाद वो बेटी को बताता है कि उसके परिवार वाले भी उसे पसंद नहीं करते और वो अपने पिता के जाने के बाद बहुत अकेला है। इसके बाद वो बेटी को मून रिंग दिखाते हुए कहता है कि अगर मैं सिंह को वापस कर दूं तो शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तभी वहाँ पर डॉग पकड़ने वाले लोग आ जाते हैं जो फ्रेडी और बेटी को पकड़कर हॉर्सफर के डॉग सेंटर में ले आते हैं। यहाँ पर इन्हें कई प्रोसेस से होकर गुजारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम हॉर्सफर को देखते हैं जो अपनी कार में बैठा होता है कि तभी वहाँ पर क्रीप आ जाता है, जिसको फ्रेडी के गले में लगे ब्रेसलेट से पता चल गया था कि वेयरवुल्फ और हॉर्सफर के बीच में जरूर कोई कनेक्शन है। और हॉर्सफर से कहता है कि तुम ही ने डॉग्स बेचकर मेरी रिंग चुराई है, और उसे झगड़ा करने लग जाता है, लेकिन हॉर्सफर का गार्ड उसे कचरे में फेंक देता है। लेकिन क्रिप ने किसी तरह से हॉर्सफर का एक बार रिसर्च के लिए हासिल कर लिया था। अब हॉर्सफर को भी पता चल जाता है कि फ्रेडी उसी के डॉग सेंटर में है और उसी ने क्रिप से मून रिंग चुराई है, इसीलिए अपने डॉग सेंटर की तरफ निकल पड़ता है। वहीं हमें फ्रेडी और बेटी को दिखाया जाता है जिन्हें डॉग सेंटर में और भी स्ट्रीट डॉग मिलते हैं। इनमें से एक छोटी डॉग का नाम टीटी होता है, जो खुद को छोटा कहने पर बहुत गुस्सा हो जाती थी। वो इन्हें बताती है कि यहाँ से कोई नहीं भाग सकता क्योंकि उन्होंने यहाँ से भागने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। तभी वहाँ पर हॉर्सफर आ जाता है, जिसे देखकर फ्रेडी बहुत खुश होता है, लेकिन हॉर्सफर फ्रेडी को यहाँ से ले जाने के लिए नहीं बल्कि उससे मून रिंग हासिल करने के लिए आया होता है। और फ्रेडी से मून रिंग हासिल करने के बाद उसे फिर से कैद खाने में बंद कर देता है। यहाँ पर बेटी फ्रेडी से पूछती है कि तुम्हारा हॉर्सफर के साथ क्या रिश्ता है। इस पर फ्रेडी बेटी को अपनी असलियत बताता है कि वो अभी एक वेयरवुल्फ है जो मून रिंग के शराब की वजह से डॉग बना। ये सुनकर बेटी बहुत दुखी होती है क्योंकि उसने उसे झूठ बोला था और फ्रेडी से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिप को देखते हैं जो हॉर्सफर के बाल से ये पता लगा लेता है कि हॉर्सफर भी एक वेयरवुल्फ है, जिससे वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी वजह से बाकी के वुल्फ तक पहुँच सकता था। अगले सीन में हम हॉर्सफर के डॉग सेंटर को देखते हैं, जहाँ पर एक वर्कर फ्रेडी और उसके साथियों को जब एक हड्डी देता है तो बेटी बड़ी चालाकी से वो हड्डी गेट के नीचे लगा देती है, जिससे सेल का गेट थोड़ा सा ऊपर ही रुक जाता है और टीटी छोटी होने के कारण वहाँ से बाहर निकल जाती है और बहुत मुश्किल से किसी तरह सेल का दरवाजा खोलने वाले बटन को दबा देती है। लेकिन उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक इमरजेंसी अलार्म एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि उसने गलत बटन प्रेस कर दिया था, और सेल की एड वहाँ पर आ जाती है जो अपने पालतू डॉग से उस डॉग को सुनकर बाहर निकालने को कहती है, जिसने यहाँ से भागने की कोशिश की थी। लेकिन फ्रेडी अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए आगे आ जाता है, जिससे सेल की एड फ्रेडी को पकड़कर एक ऐसे कमरे में डाल देती है जहाँ पर एक खूंखार दरिंदा रहता है जो डॉग को मारकर खा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम हॉर्सफर को देखते हैं जो मून रिंग लेकर लुप्सिन मेंशन आ जाता है, जहाँ पर मिस मटन हॉर्सफर से पूछती है कि क्या तुमने फ्रेडी को कहीं पर देखा है। इस पर हॉर्सफर मिस मटन को बताता है कि आप चिंता मत कीजिए, फ्रेडी को कुछ नहीं होगा, हमारे लोग चारों तरफ फ्रेडी को ढूंढ रहे हैं। लेकिन मिस मटन हॉर्सफर के कंप्यूटर में फ्रेडी की तस्वीर देखने की वजह से समझ जाती है कि हॉर्सफर ने फ्रेडी को अपने डॉग सेंटर में कैद कर रखा है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी से फ्रेडी को बचाने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम बेटी को देखते हैं जो बाकी के डॉग्स को समझाती है कि फ्रेडी ने
एक वेयरवुल्फ होने के बाद भी हमारी चिंता की और हमें बचाने के लिए सारी गलतियां हमने सिर ले ली, इसीलिए हमें भी फ्रेडी को बचाना होगा। बेटी की बातें सुनकर सभी डॉग राजी हो जाते हैं और फ्रेडी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर इन्हें यह भी पता चलता है कि पेट सेंटर की हेड एक ऐसी मशीन बना रही है जिसमें एक डॉग को डालने पर वो एक विग बनकर निकलता है और इस प्रकार शहर के सभी डॉग्स को मारकर विग बनाना चाहते हैं। ये देखकर ये सब डर जाते हैं। वही हम फ्रेडी को देखते हैं जो उस कुकार मॉन्स्टर की आवाजों से काफी डर रहा होता है, लेकिन जब वो वेयरवुल्फ सामने आता है तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसके डैड है। फ्रेडी अपने डैड को देखकर खुश होता है, लेकिन फ्लैशहार्ड उसे पहली नजर में नहीं पहचान पाते क्योंकि वो एक पुडल में बदल गया था। लेकिन जब वो उन्हें डैड कहता है तो समझ जाते हैं कि वो फ्रेडी है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फ्रेडी अपने डैड से पूछता है कि आपकी तो चट्टान से गिरने से मौत हो गई थी। इस पर फ्लैशहार्ड बताते हैं कि मैं चट्टान से नीचे गिरने के बावजूद बच गया था और लुप्सिन मेंशन वापस आ रहा था कि तभी मुझे हॉर्स पर के लोगों ने पकड़ लिया और मुझे इस डॉग सेंटर में कैद कर दिया। कुछ समय बाद हॉर्स पर मुझसे मिलने आया, लेकिन वो मुझे बाहर निकालने के बजाय उसने मेरे हाथों में चांदी का पट्टा पहनाकर हमेशा के लिए यहीं पर कैद कर दिया। तभी वहाँ पर बाकी के डॉग्स भी आ जाते हैं जो फ्लैश पर हमला कर देते हैं। कमांडर उस रूम में हो रहे शोर से समझ जाती है कि वहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है और अपने सभी गार्ड्स को उस तरफ जाने को कहती है। अब मिस मटन भी अपनी स्कूटी के साथ यहाँ पर पहुँच जाती है और कमांडर भी अपने डॉग को सिस्टम की रखवाली के लिए बोलकर तहखाने की तरफ निकल पड़ती है। इसके बाद हम फ्लैशहार्ड को देखते हैं जिस पर सभी डॉग्स हमला कर रहे होते हैं, लेकिन फ्रेडी उन्हें रुकने को कहता है और उन्हें समझाता है कि उसके डैड है। यह सुनकर सब रुक जाते हैं। यहाँ पर बेटी फ्रेडी को बताती है कि कमांडर एक ऐसी मशीन बना रही है जो डॉग्स को एक वीक में बदल देती है। यह सुनकर फ्रेडी को भी याद आ जाता है कि कमांडर ने हॉर्सफर को एक रिमोट कंट्रोल बटन दिया था ताकि उस मशीन की मदद से वक्त आने पर सभी डॉग्स को खत्म कर दे। इससे फ्लैशहार्ड को हॉर्सफर पर बहुत गुस्सा आता है और सभी डॉग्स की मदद से चेन से आजाद हो जाता है। लेकिन उनके निकलने से पहले कमांडर वहाँ पर आ जाती है और तब तक मिस मटन भी वहाँ पहुँच जाती है जो कमांडर और उसके गार्ड पर हमला कर देती है। इस मौके का फायदा उठाकर सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन ट्विटी वहीं पर रुक जाती है। अब ये लोग एक सुरंग में से होते हुए एक ट्रेन पर बैठकर शहर में आ जाते हैं और जैसे फ्रेडी सूरज की रोशनी के संपर्क में आता है तो एक लड़के में बदल जाता है क्योंकि उसके गले में अब चांदी का ब्रेसलेट नहीं था, लेकिन फ्लैश अभी भी एक भेड़िए के रूप में ही होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने हाथों में एक चांदी का पट्टा पहन रखा था। फिर वो सभी लोगों से छुपते हुए किसी तरह लुपिन मेंशन की तरफ आके बढ़ने लग जाते हैं। वहीं डॉग सेंटर में अब भी ट्विटी और मिस मटन कमांडर और उसके गार्ड से लड़ रही होती है। इसके बाद हम लुपिन मेंशन को देखते हैं जहाँ पर आज फ्रेडी को खुद को एक असली भेड़िया साबित करने का आखिरी मौका होता है, लेकिन आज वो यहाँ उपस्थित नहीं था, इसीलिए काउंसिल वुल्फ पैक के लिए एक नए हाई हाउलर चुनने का प्रस्ताव रखते हैं कि तभी वहाँ पर हॉर्सफर आ जाता है जो सबको मून रिंग दिखाते हुए कहता है कि मैं इस रिंग को वापस ले आया हूँ, इसीलिए मैं यहाँ का नया हाई हाउलर बनूंगा। इसके बाद एक एक करके सभी वेयरवुल्फ चांद की रोशनी में आना शुरू कर देते हैं और वेयरवुल्फ में बदल जाते हैं। फिर हॉर्सफर अपनी मशीन सबको दिखाते हुए कहता है कि आज से हमारा शहर डॉग से मुक्त होगा। ये सुनकर सभी वेयरवुल्फ हैरान हो जाते हैं क्योंकि हॉर्सफर शहर के सभी डॉग्स को मारने की बात कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो बटन को दबाता वहाँ पर फ्रेडी अपने डेट के साथ आ जाता है। फ्लैशहार्ड को जिंदा देखकर सभी वेयरवुल्फ हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि फ्लैशहार्ड मर चुका है। इसके बाद फ्लैशहार्ड सबको बताता है कि किस प्रकार हॉर्सफर ने उसे कैद करके रखा था, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे कैसे आजाद करवाया। तभी वहाँ पर क्रीबी अपनी गाड़ी लेकर पहुँच जाता है जो अपने हाई टेक्नोलॉजी वेपन से सभी वुल्फ पर हमला करना शुरू कर देता है जिससे वुल्फ बेहोश होने लगते हैं। वही डॉग सेंटर में अभी भी मिस मटन और कमांडर के बीच फाइट हो रही होती है और मिस मटन एक एक करके सभी डॉग्स को आजाद करवाने लग जाती है। वही फ्लैशहार्ड क्रीप की गोली लगने की वजह से बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर फ्रेडी अपने साथी डॉग्स को अपने डेड को वहाँ से ले जाने को कहता है और खुद क्रीप को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जब क्रीप फ्रेडी को देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि फ्रेडी को बचपन में वेयरवुल्फ ने अगवा करके मार डाला, इसीलिए वो वेयरवुल्फ को मारकर उनसे फ्रेडी का बदला लेना चाहता था। लेकिन फ्रेडी उसे बताता है कि उसके परिवार के सदस्य है। तभी हॉर्सफर पीछे से क्रीप पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और अब हॉर्सफर विग मशीन के बटन की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन फ्रेडी उस बटन को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन हॉर्सफर किसी तरह से उस बटन को हासिल कर लेता है और उसे दबा देता है जिससे डॉग्स को विग में बदलने की मशीन एक्टिवेट हो जाती है और मिस मटन ट्विटी और कमांडर मशीन की तरफ खींची चली जाती है। लेकिन अगले पल ट्विटी अपनी बहादुरी से मशीन के अंदर से सारे पार्ट्स को काट कर बाहर आ जाती है जिससे वो मशीन ब्लास्ट
नष्ट हो जाती है। ये देखकर फ्रेडी बहुत खुश होता है, लेकिन ऑर्स पर गुस्से में फ्रेडी को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। फ्रेडी भागते हुए लुपिन मेंशन की सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर उसका पीछा करते हुए ऑर्स पर भी आ जाता है। अब फ्लैशार्ड भी होश में आ जाते हैं, जो फ्रेडी को एक वेयरवुल्फ बनने के लिए मोटिवेट करते हैं। अपने डैड की बातें सुनकर फ्रेडी एक बार फिर चांद की रोशनी में आ जाता है, और इस बार सबको लग रहा होता है कि फ्रेडी एक बड़े से वेयरवुल्फ में बदल जाएगा और ऑर्स पर को हरा देगा। लेकिन इसका ठीक उल्टा होता है और फ्रेडी एक बार फिर से एक डॉगी बन जाता है। ये देखकर ऑर्स पर हंसने लगता है, लेकिन अगले ही पल फ्रेडी इतनी तेजी से दहाड़ता है कि ऑर्स पर बिल्डिंग से नीचे क्रीप की गाड़ी पर आ गिरता है। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि फ्रेडी छोटे होने के बाद भी एक असली वुल्फ था। अगले सीन में हम देखते हैं कि कमांडर को कैद कर लिया जाता है और लुपिन मेंशन का दरवाजा डोस के लिए खोल दिया जाता है, और अब सभी लुपिन मेंशन में खुशी से रहने लगते हैं। और फ्रेडी अपने डैड के साथ सभी वेयरवुल्फ को लीड करने लग जाता है, और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।